اذ بوللاهمنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله محمد وبارك وسلم मोहतरम ख़वान हज़रा अल्लम पयाम सुब के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बानी अहमद रोज़ाना क़र करीम के मख्तलियात पर गुफ्तु होती है माँ से वाये जुम्मा और हफ़्ता जुमे और हफ़्ते को सवाल जवाब के सैशनस होते हैं आप और हम जानते हैं कुरान करीम की इन आयात पर हम क्यों बात करवाते हैं सिंपल बात इशान नजूर से लेकर लम्हे मौजूद तक क्या क़ुरान करीम के मान मफाहिम हैं चौदह सौ बरस पहले इन आयात को किस अंदाज से लिया जा रहा था आज इन इन आयात से हमें क्या नसीहत और क्या रोशनी मिल रही है खातन हजरात तामत ता जहन इंसानी की इमामत कुरान करीम करता रहेगा जमीन वालों से अल्लाह ताला का आखिरी कलाम कुरान करीम के माना मफाहम हमारे मोज़ज़ल तशरीफ़ लाते हैं हमें समझाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं ख़वान हजरात कुरान और साहेब कुरान दोनों साथ साथ चलते हैं यह हमारे मज़द्ज़मा ने हमें, हमें हमेशा तालीम किया है क़ुरान अमल में कैसे नज़र आता है कुरान के तकाज़े क्या हैं और क्या वो हमारे अतराफ़ में हमारी ज़मीन पर मुसलमान रियासतों में क़ुरान करीम के ये अहकाम इनकी तनफीज़ नज़र आ रही है या नज़र नहीं आ रही ख़वातन हज़रा अल्लाह ताला मुसलमान को तैयार करता है तरबियत करता है कुरान करीम की ये आयात तरबियत फरमाती हैं आज हम सूरह रात की आयत नंबर ग्यारह पर सीखेंगे एक जैद आलम दीन से अल्लाह ताला क्या फरमाता है फरिश्तों के ताल्लुक से करामन कातबीन के हवाले से बात हो रही है कि हर शख़्स के आगे और पीछे उसके मुकर करदा निगरान मौजूद हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं अब देखभाल यानी हिफाजत भी करते हैं ये फरिश्ते किसी हादसे से भी हमें रोक लेते हैं कोई दीवार गिर रही हो कोई गड़ा आ रहा हो कोई हादसा हो अल्लाह के फरिश्ते हमें महफूज बना लेते हैं फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो खवातन हज़रा क्या है अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है अल्लाह ताला का तरीक़ा क्या है क्या अल्लाह ताला तवाम की जो नाफ़रमानियाँ हैं उनको देखते हुए उनसे नेमतें उठा लेता है उन पर ख़ौफ़ मुसलत कर देता है अल्लाह क्या फरमा रहा है यहाँ पर ख़वान हजरात हम सीखेंगे आ, हमारे लिए बड़ी खुशबी की बात कश फरमा है मुनीबुर रहमान साहब खबरा हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम कई किताबों के मुसन्निफ़ मोहतर मुफ्ती रहमान साहब खातिन आगाज करते हैं सूरह राद और आयत नंबर ग्यारह بسم الله الرحمن الرحيم. له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपने औसाफ को तब्दील नहीं कर लेती और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फ़ैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार नहीं हो सकता सदक अल्लाहम ख़वातिन हज़रा मोहतरम मुफ्ती मलिबाँ साहब की खदमत में इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल रखें कोई कल के पूछे गए सवाल का, का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में कल का सवाल ये था कि किस पैगंबर को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया गया था दुरुस्त जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आज का सवाल नोट फरमा लीजिए किस पैगंबर के लिए अल्लाह ताला ने लोहे को नरम कर दिया था हजरत दाऊद के लिए या हज़रत सलेमान के लिए या हज़रत नू अलैहिस्सलाम के लिए जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए हमारे फ़ोन नंबर हैं जीरो ज़ीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर फाइव टू सेवन डबल जीरो नाइन हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है जीरो ज़ीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर थ्री डबल जीरो नाइन एट जीरो हमारा ई मेल एड्रेस पी एस एट दुनिया टी वी डॉट टी वी हमारा एस एम एस का नंबर थ्री जीरो थ्री वन और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जीरो जीरो नाइन टू थ्री टू वन एट टू फाइव जीरो वन नाइन फोर हज़रत इर्शाद फरमाइए दो बड़े मौजूद यहाँ पर इस आयत में सूर्य रात की आयत नंबर ग्यारह एक तो कराम कातबीन के हवाले से फरिश्तों के हवाले से और कॉमों में तब्दीली कैसे आती है बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं इर्शाद बस्मा हामिद सुबह व मुसलिय व मुसलिमन अला रसूल के राम व सह बिलज़ाम अजमैन अनी फ़ मसहब हमारे दौर में भी कहा जाता है कि इंसाफ़ होना चाहिए जी और इंसाफ़ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए सो अल्लाह तबारक वालामूब है वो अपने इल्म की बुनियाद पर हर एक का फैसला कर देता तो वो एन तकाजा ए, अदल होता हक़ होता लेकिन अल्लाह तबारक मताल की सुनत जलीला ये रही कि उसने अदल के लिए जवाब और क़ानून कवानी मुकर फरमाए और फिर उनके रिकॉर्डिंग का भी इंतज़ाम फरमाया चुनाचे इस आए मुबारक में इसी का ज़िक्र है कि लहू मुआबा तुम मम ब यदई मिन खलफ मुआक़िब कहते हैं जो एक के बाद दूसरा आए चूँकि अल्लाह तबारक वताल के फरिश्ते उनकी ड्यूटियाँ होती हैं ठीक के रात के फरिश्ते आते हैं और सुबह जाते हैं फिर वो दिन के फरिश्ते आते हैं और शाम को जाते हैं ठीक जैसा कि क़ुरान करीम में फरमाया कि आक़ीम सला तलू के शम से अल फजर की नमाज़ क़ायम कीजिए <स्थथ> सूरज के ढलने से लेकर रात के तारीख होने तक और फजर का पढ़ना इन ननल फजर का आना मशहूदा बेशक फजर का पढ़ना ये फरिश्तों की हाजरी का वक्त है यानी फजर का वक्त वो होता है कि रात कि ड्यूटी वाले फरिश्ते ड्यूटी ऑफ करके जा रहे होते हैं दिन वाले ड्यूटी रिज्यूम करने आ रहे होते हैं तो दोनों तरफ के फरिश्ते जमा हो जाते हैं इसी तरह से शाम को भी होता है तो इस माना में उनको मौक़ब कहा कि यके बाद दीगर फरिश्ते आते हैं सामने से भी आते हैं पी से भी आते हैं और अल्लाह के हकम से हिफाज़त भी फरमाते अल्लाह, अल्लाह। इसी तरह से फरमाया वालकुम ल हाफ़दीन के रामन का तबीन यालमोनमा तफ़ालफरमाता सूरतार में कि बेशक तुम पर नगेमान फरिश्ते मकर हैं रामन कातमीन वो मुआज़ हैं और जो तुम करते हो वो उसको जानते, जानते हैं, हैं। लिहाजा तुम्हारे कंधों पर वो फरिश्ते मौजूद हैं सूरह काफ़ में फरमाया तलकल अनिल यमीन वान शिमाल कईद के दो लेने वाले आते हैं दाई जानब से और बाई जानब से वो बैठे होते हैं मा यलफिजोमिन क़ौल के बंदा जो भी लफ्स बोलता है इल्ला लदई है रकी मन तो उसके करीब एक हाई अलर्ट एक मुस्तैद फरिश्ता उसको रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद होता है ठीक लिहाजा इससे मालूम होता है अल्लाह ताला के फरिश्ते इंसान के नाम आमाल को रिकॉर्ड करते हैं लिखते हैं चुनाचे कुरान मजीद में है कि कयामत के दिन फमन ऊत या किताब बहूब यमीन ही फैक्म करऊ किताबिया कि जिसको क़यामत के दिन उसकी बुक ऑफ डीड या किताबें ज़िंदगी उसके दाएं हाथ में दी जाएगी तो वो हर एक से कहता फिरेगा कि ये लो मेरी किताब पढ़ो क्योंकि जब किसी को रिज़ल्ट में टॉप करे या कामयाब हो तो वो गज़ट को लेके अखबार को लेके एक एक को दिखाता है वह अमाम ऊत किताब हूँ बशमाल ही तो जिसकी किताब बयात में पकड़ाई जाएगी फीकूल या लई तनी लम ऊ तक किताब या काश के ये रिजल्ट आउट ही ना होता मुझे किताब न दी जाती या लई तनी का न तिलका दिया शायद काश के मेरा किस्सा तमाम हो जाता और ये अदालत जो लगने वाली है इसमें मुझे रसवाई का सामना करना न पड़ता तो ये कुरान मजीद ने बताया कि अल्लाह ताला की सुन्नत जलीला है कि अल्लाह तबारक वाली ने इंसान के आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए बाकायदा फरिश्ते मुकर कर रखे हैं अल्लाह अब यह मफ्टी साहब एक छोटा सा सवाल उसके बाद फिर आगे चलेंगे अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर कर रखे हैं फिर वो अपनी मखलूक़ की हिफाजत भी इन फरिश्तों के जरिए करवाता है अल्लाह लेकिन अल्लाह सवाल मेरा आपकी खिदमत यह है कि अल्लाह तमी है बशीर है अलीम है हाँ। खबीर है हर चीज़ तो वो जानता है तो अल्लाह ताली ने फरिश्तेम काबीन फिर ये क्यों मुकर कर रखे हैं जबकि अल्लाह के इल्म में तो हर बात है जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि वो समी भी है बसीर भी है अलीम भी है खबीर भी है कादिर भी है कयूम भी है वो अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला फरमा देता तो वो भी अदल होता जिया? लेकिन उसकी कुदरत ने ये चाह कि जो अदल के कवानी और जवाबित हैं कि उसमें क्या होता है कि चार शीट पढ़कर कर सुनाई जाती है फिर आजकल भी अदालतों में कहते हैं कि फ़र्द जुर्म आए की जाती है चार शीट सुनाई जाती है फिर कहा जाता है तुम्हें कबूल है या नहीं है अगर वो इनकार करता है तो फिर उसको सबूत पेश किए जाते हैं अल्लाह ते तमाम कानूनी जवाबित को मुकम्मल करके दिखाएगा अच्छा। ताकि पता चले कि अल्लाह ताला का आदल जो है वो कामिल है अकमल है और वो इंतहाई दर्जे पर है यहाँ तक के जब इंसान इनकार करेगा तो अल्लाह फरमाता है कि अल योम के अल्यो मन नखवााहिम बतुकल मुनादी हिम तरश अरजम बिमा कानू मुंह पर मोरे लगा देंगे और फिर आज हम हाथ बात करेंगे और पाँव बात करेंगे कि जो इन जवारे से आज़ाद से बंदे बंदा काम करता था वो बंदे के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाएंगे ठीक फिर ये भी कुरान मजीद में आया कि बंदा हैरत से पूछेगा कि भाई तुम्हें तो बोलना नहीं आता था ये नुतख तुम्हें कहाँ से सीखा तो वो जवाब देंगे ये अजा खुद इंसान को अंग अंग रुआ रुआ उज उज के अंतन अल्लाधी अंतुल्लाश हमें भी उसी अल्लाह ने नुत और गोयाई सिखाई है जिसने हर चीज़ को सिखाई है लहजा इंसान के वजूद से भी अल्लाह ताला सुल्तानी गवाह पेश करेगा कि जो बताएंगे कि इंसान ने क्या क्या गुनाह किए क्या क्या काम किए और फिर इंसान को उन तमाम गुनाहों का इतराफ़ करना पड़ेगा बल्कि हदीस में तो इंसान जो खुद गर्ज है तो उसकी नेचर भी बयान की है कि एक हदीस में आता है कि एक बंदे के नाम अवाल पेश होंगे और फरिश्तों से कहा जाएगा कि इसकी चार्जशीट शीट पर कर सुनाओ तो स्क्रीन चल रही होगी और उसके कुछ अमाल सामने आ रहे होंगे छोटे छोटे गुनाह गुज़र रहे होंगे तो उस वक्त दिल में तमन्ना करेगा कि काश मेरे बड़े जो जराइम और गुनाह हैं वो रिकॉर्ड पढ़ना है तो अल्लाह ताला जब ये गुनाहों की एक रील गुजरेगी तो फरमाएगा केस के बदले मैं को नेकी अता कर दो <coughs> तो फिर ये खुद इंसान कहेगा या अल्लाह मेरे बहुत से गुनाह तो रिकॉर्ड में आने से रह गए हैं क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में वादा किया है कि वल्लीलायद इलाहन आखर के जो अल्लाह के साथ किसी गैर कोश मबूद करार नहीं देते वलायकलूनती हरमल्ला बिल्हक और कत्ल ना हक नहीं करते वला यज़नून और बदकारी नहीं करते वमई यफ़ल का यल का अफामा और जो ये जराइम करेगा तो वो गुनाह पाएगा युदा अफ़ कयामा, कयामत के दिन उसका अजाब मल्टीप्लाई किया जाता रहेगा व यखलुफ़ी ही मुहाना और इसमें जलील और स्वाह होकर वो दाखिल रहेगा इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल आमलाह मगर जो तोबा कर ले सच्चे दिल से ही मान ले आए उसके बाद अल्लाह से जो पैमाने वफ़ा बांधा है उस पर पूरा उतरे तो, तो फलाए कबल्ला सै आतम हसनात अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील लिहाजा ये सुबान तो सुन्नत लाही है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आएंगी ताकि एक तो, इंसान तो, एक जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा कर ले ताकि अदल के जो जाहरी जवाब हैं वो भी पूरे अल्लाह के पास अल्लाह की अदालत दिखाने के लिए कि जनाब ये ये है आपका या किया धरा ये, ये। है आपके करतूत ठीक अच्छा इसके साथ साथ जब ये आमाल नामा, खौफे आखिरत जो कि तकबे की बुनियादी जड़ जिसे कहें वो है कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने पेश होना है और ऐसे ही नहीं पेश हो जाना है बल्कि अपने अपने आमाल नामों के साथ पेश होना है और कराम कातबीन यहाँ मौजूद हैं और वह हमारे हर फैल को और हर कौल को तहरीर कर रहे हैं ठीक है बल्कि ये भी फरमाया कि अव्वल तो यह है कि जब ये कुरान की आयात नाजिल हो रही थी तो उस वक्त के इंसान को तो शायद कि सवाल उसके जहन में आता हो कि ये कैसे रिकॉर्ड हो रहा है तो अब आज इंसान ख़ुद हर बात को हर हरकत को हर कौल को रिकॉर्ड कर रहा है और सामने मौजूद है तो ये आज के इंसान को तो पता चल गया कि रिकॉर्ड मुरतब किया जा सकता है और बिल्कुल ट्रू रिकॉर्ड एग्ज रिकॉर्ड फ़र्क ये है कि जो इंसान मुरतब करने वाले हैं वो ज़ाहरी चीज़ों को करेंगे वो नीयतों का फ़ैसला नहीं कर सकते नहीं। नहीं। लेकिन फ़रमाया कि या लमो ख़ाइन तल आयु ने मा तुफ सदूर वो तो निगाहों की ख़ियात को भी जानता है और जो कुछ तुम अपने सीने में और दिलों में छुपाते हो वो उसको भी जानता है तो उससे तो जहां कोई चीज मखफी और पोशीदा नहीं रह सकती सुबह अल्लाह सुबह ये बिल्कुल वाजे हो गई बात हाँ। कातिबीन के हवाले से बल्कि आद... ये भी कुरान ने बयान फरमाया कि जिलजालहा जब जमीन हिलाकर रख दी जाएगी जलजला आएगा भों चालाएगा वह अखरे तिल अरदो और ज़मीन अपना बोझ निकाल बाहर करेगी वह कालल इंसानो माल हा और इंसान हैरत के में डूब कर <coughs> कहेगा कि ज़मीन को क्या हो गया है कि हर चीज़ को निकाल बाहर कर रही है तो अल्लाह फन गया बे रबा का अवाल हा क्योंकि अब अल्लाह ने उसके हु, को हुक्म दिया है कि जो तुम्हारे सीने में अमानतें महफूज हैं वो भी निकाल लाओ और जो तुम्हारे सीने गेती पर जो कुछ हुआ है वो भी सारे का सारा बयान कर दो तो योम दिन यशतर नास अश्ताता अश्ता आज के दिन लोग गिरो दर गिरोह निकलेंगे ले आमाल हम ताकि खुद अपने अमाल को देखें पमई यामल मिसका खैर यरा और जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा मई यामल मिसरतन यरा और जिसने जर्रा भर भुराई देखेगी वो ए, की होगी वो उसे देख लेगा अफालामोदा बोसलाफिलकबूर बहु सर सुदूर और फिर कब्रों में जो कुछ है वो भी निकाल जाए बाहर किया जाएगा सीनों में जो है वो भी सब बाहर आ जाएगा और अल्लाह ताला सब चीज़ों को रिकॉर्ड पर हर चीज़ को ले आएगा अल्लाह और ये फरिश्ते मामूर हैं इस काम के लिए पर... अच्छा ये फरिश्ते मुफ्ती साहब हमारे अमाल को भी महफूज करते हैं और ये हमारी हिफाजत भी हिफाजत भी करते हैं हिफाजत किस अंदाज से करते हैं ऐसा है कि जैसे हदीस में आया है कि बंदा दुआ करता है ठीक और वो कहते हैं कि दाऊतो व कि इन युस्तजाब केकबल दुआ अल अलाप्ज मालम यस्ताजिल हदीस में आया है कि अल्लाह बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है बशर्ते कि बंदा जल्दबाज़ी का शिकार ना हो जाए जल्दबाज़ी ना करे नबी करीम सल्ला वसम से पूछा गया कि मलस्त जालो या रसूल अल्लाह या सल्मा रसूल अल्लाह जल्दबाज़ी क्या है वर्मा कि बंदा कहे कि दाओ तो व दाओ तो व दाओ तो फन्ना युस्तज़ाब मैं मांगता रहा मांगता रहा मांगता रहा कोई सुनवाई नहीं होती इसलिए बाद बाजीस में आया कियामत के दिन अल्लाह तबारक व तंदे को बुलाएगा और फरमाएगा कि ये ये दुआएं तुमने मुझसे मांगी मैंने दुनिया में बैन ही तुम्हारी मुराद तुम्हें अता कर दी ठीक फिर फरमाएगा कि तुमने ये ये दुआएं मुझसे मांगी <coughs> और मैंने बैन ही वो मुराद तो नहीं दी लेकिन उससे फलां बेहतर नेमत तुमको अता फरमा दी फिर फरमाएगा कि तुमने ये ये मांगा मैंने तुम्हें अता नहीं किया लेकिन उसके बदले में एक बड़ी मुसीबत को तुम टाल दिया ठीक अब ज़ाहिर है कि जो मुसीबत आ जाती है वो तो बंदे को मालूम होती है लेकिन जो मुसीबत अल्लाह के फजल से टल जाती है उसका तो बंदे को पता नहीं होता तो अल्लाह ताला उन मसाइब को भी टालता रहता है और बंदे की हिफाज़त भी फरमाता रहता है और इस बात का यहाँ भी जिक्र है कि यह फ़ून सुबह अल्लाह अब मुसीबत को टाल देना मुसीबत को हटा देना और कोई हादसा है कोई कोई छत गिर गई वगैरह या। वगैरह यानी अला हाजल क्यास कोई भी हादसा लेकिन ये जो अल्लाह ताला की जो सुन्नत है इस ताल्लुक से क्या वो लोग या वो बंदगा खुदा जो अल्लाह ताला की इतात तो और फर्माबरदारी करते हैं तो फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर करवा देता है तो वो फ़र्द हो या कौम लेकिन अगर वो फ़र्द या कौम अल्लाह ताला की नाफरमानियों पे उतर आए तो क्या अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले फरिश्तों को हटा देता है हनी अहमद साहब एक बात तो ये है क़ुरान और सुन्नत में दोनों बातें बयान की गई हैं एक तो ये है कि फमह हिल का फरीन के बाद अवकात मुनकरों की काफिरों की को मोहलत दी जाती है रस्सी दराज कर दी जाती है वो समझते हैं कि शायद मैं कोई चहिता हूँ और इसलिए मेरे लिए खैर ही खैर है ठीक तो फमहिल फरीन अमिल हम रोदा उन्हें थोड़ी थोड़ी महलत महलत दो इन नम यकीदु न कईदम व अकीदु कदा वो अपने दानिश में अपनी चाल चलते हैं और अल्लाह ताला उनकी चाल को नामोराद फरमाता है ठीक इसके बदले में जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं उनसे मुसीबतों को तो टालता है लेकिन लोग कहते हैं कि ये अल्लाह का महबूब चहीता बंदा बाद नजर में बज़ाहिर इस पर कुछ मुसीबतें तो आ भी जाती हैं ना तो क्यों आई तो हदीस पाक में है कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताल जब अपने फ़जल से अपने बंदे के लिए कोई आला तरीन मकाम मुकद्दर फरमाता है और वो अपने अमाल के ज़रिए उसका हकदार नहीं बन पाता तो अल्लाह ताला उस पर कोई मुसीबत ले आता है और वो उस मुसीबत पर सब्र करता है और उस सबर पर जो इनाम पाता है उसके नतीजे में वो अल्लाह की बारगाह में उस बुलंद मकाम का हकदार हो जाता है इसलिए हम चीज़ों के पीछे जो अल्लाह की हमतें हैं उनको नहीं जान सकते उनके फैसले हम नहीं कर सकते लेकिन उनके बारे में कुरान हदीस में हमें जी। यकीनन मिलती हैं और रहनुमाई मिलती है अच्छा ये मामला बयान फर्त के हवाले से। लेकिन क्या इसका इतलाक कौमो पर भी होता है यकीनन जैसे एक फर्द की अजल होती है वक्त मकर्र होता है फरमाया कि वह अनफिको मकना कि उससे पहले अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करो कि जब तुम में से किसी के सर पर मौत आकर खड़ी हो जाए फ़ूल अखर तनी अला अजलिन करीब के वो कहेगा कि थोड़ी सी मुझे मौलत मिल जाए चांस मिल जाए फद कुम में मैं कुछ सदका कर दूँ मैंने कोकारों में से हो जाऊँ तो अल्लाह नफसन फरमागे अजलोहा जा जब अल्लाह का मक़र वक्त आ जाएगा तो फिर वो टलेगा नहीं कोई मोहलत नहीं मिलेगी वह खैर्राज़ीन तो इसी तरह से कौमों की भी मुद्दत होती है कि कौमों को इज्जतें मिलती हैं कौमों को सरफराजियाँ मिलती हैं कौमें दुनिया पर राज करती हैं मुसलमानों को भी अल्लाह ने मौका दिया और आप तो जानते हैं हम सब जानते हैं कि हजरत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह कहद खिलाफत में अल्लाह तबारक व ताल ने जो उस वक्त की दो सुपर पावर्स थी रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर या सल्तनत फ़ारिस और सल्तनत कैसर उसको मुसलमानों के क़दमों में ढेर कर दिया मुसलमान हाकिम बने मुसलमानों ने दुनिया पर हकूमत की लेकिन जिस तरह से फर्द के लिए कानून कुदरत है इसी तरह से कौमों के लिए भी कानून क़ुदरत मौजूद है जब कोई कौम कौमों की क्यादत के अहल होती है उसे कौमों की इमामत मिलती है रहनमाई मिलती है और जब अपनी अहलियत को खो देती है तो फिर वो जवाल से भी दो चार हो जाती है ठीक है और जो फलिश्तों की हिफाजत है वो उनसे उठा ली, उठा ली जाती है। उठा ली जाती है ठीक तो है क्योंकि उन्होंने अल्लाह त नियमतों को मिस यूज किया ठुकरा दिया मिस ठुकरा दिया कदर नहीं उसकी कदर नहीं की तो जब ये कौमों की तरफ ये इस तरह अल्लाह ताला की आज़माश आती है या अजाब आता है जो भी आप उसको नाम दें तो उसमें उस कौम के जो नेक अफराद होते हैं वो भी उसकी जद पे आ जाते हैं जी हाँ पाक में ऐसा ही आया है कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक वाली जबरील अमीन से फरमाता है कि इब मदीनता कज़ा व कज़ाब अहलहा कि ए जबरील फ़लाम बस्ती को उसके रहने वालों समेत उलट दो ठीक तो जबरील अमीन अर्ज़ करते हैं कि इन नफीहा से का सत्या तरफ कि ए अल्लाह इस बस्ती में जिस पर अजाब का तो उन्हें हुक्म नादिल फ़रमा दिया है एक ऐसा मर्द पारसा मुत्तकी वली है जिसने पलक झपकने के बराबर भी तरीन आफरमानी नहीं की तो उसका क्या होगा तो अल्लाह फरमाते है कि व आलई है उस समेत बस्ती को उलट दो फिल्लामयारिया क्यों कि वो खुद तो पारसा था खुद तो नेक था मुत्तकी हुँ। था लेकिन उसके सामने मेरी को पामाल किया जा रहा था तो उसकी जमीन तो तो पर बिल्कुल रहा तो मुसलमान पर बहसियत मजमू भी जिम्मेदारी है महज उसका तनहा नेक पारसा होना काफी नहीं है काफी उसकी फैमिली उसके अहल खाना उसका माशरा उसका खानदान उसका उसकी रियासत उस के अंदर दर्जा बदर्जा दर्जा बदर्जा यकीन रुतबे हैं सिवा उनको सिवा, सिवा मुश्किल, मुश्किल है कुल्लु ही सदर से वजी आजम से गवर्नर से वगैरह वगैरह जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है जिसके पास ज्यादा इख्तियार है उसकी जवाबदेही ज्यादा है जिसके पास कम है उसकी कम है लेकिन बड़ी कोई भी अल्लाह अकबर फरिश्तों की हिफाजत कौमों से अल्लाह उठा, उठा लेता है नेमतें उठा लेता है अब अल्लाह फरमा रहा है सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्ला। के अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदलें अल्लाह अकबर यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है यहाँ पर क्या असलाह नफ्स की बात हो रही है बुनियादी तौर पर तो इसके माना ये हैं कि जो अल्लाह की राह में एक कदम उठाता है हाँ। तो कि जैसे हदीस से पाक में आया कि मन अतानी यम सीत तो हु हर वलतन हुँ। के जो आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरी तरफ़ आता है मेरी रहमत दौड़ कर उसको अपनी आगोश में ले लेती है जो एक बालिश मेरी तरफ बढ़ता है मैं पूरा एक हाथ मेरी रहमत आगे बढ़कर उसको अपनी आगोश में ले लेती है लिहाजा बंदे का काम ये है कि अपनी तरफ से कोशिश करे अपनी तरफ से सारी करे लेकिन उस का नतीजा खैज़ होना ये अल्लाह के फजल पर मौकूफ़ है ठीक है इसलिए हदीस से पाक में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फ़रमाया कि नहीं खुला अहद कुमुल जन्नता फजल ही बेरहमत ही के तुम में से कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर जब उसका फजल शामिल हाल तो, तो सबिन अज की वलान था या रसूल अल्लाह या रसूलल्ला सल्ला वसलम आप भी नहीं, आप नहीं के वाला अना अतम मदनी अल्लाह बहमत ही अल्लाह ये कि मुझे अपनी रहमत की आवोश में अल्लाह पाक ले ले अल्लाह इससे ये सबक दिलाना मकसूद है कि बंदा अपनी अपने इल्म के मुताबिक अपनी बिसात के मुताबिक अपनी तोफ़ी के मुताबिक साई करे लेकिन उसके नतीजा खैज़ होने के लिए अल्लाह ताला पर उसका ईमान होना चाहिए इसबाब को इख्तियार करे लेकिन इसबाब के असर पजीर होने के लिए मुसबिबलब पर उसका ईमान होना चाहिए और इसे फरमाया कि वैजा अल्लाह वह बनसाद जब किसी कौम के लिए अल्लाह फैसला फरमा देता है बुराई का तो फिर उसे कोई टालने वाला नहीं होता वा मिन, मिन वाल और अल्लाह के मुकाबले नहीं होता ठीक है अब सवाल यहाँ पर यह पैदा ये। होता है कि वो कौम अपने अंदर कौन से औसाफ पैदा करे यकीनन अल्लाह का फजल अल्लाह की रहमत जब तक शामिल हाल ना हो हम आगे बढ़ नहीं सकते कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती कौमों की जिंदगी को यानी एक जैसे कहते हैं उर्जो जवाल उर्जो जवाल के हवाले से अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है कौमों के जवाल के हवाले से सुन्नत इलाहिया ये है कि कौमों को मेरिट पर पूरा उतरना चाहिए अच्छा उसके लिए मेरिट पर उतरने के लिए साहेब भी ईमान होना या ना होना ज़रूरी नहीं है नहीं है एक मेरिड दुनियावी इरत के लिए है ठीक अब मस आज कल जिन कौम कौमों के पास साइंस की टेक्नोलॉजी की क़ियादत आ गई है ठीक और दुनिया पर रूल कर रहे हैं ये उनके मोमिन होने की दलील नहीं है ठीक या उनके हक पे होने की दलील उनके हक पे होने की दलील नहीं, की दलील नहीं।, नहीं।, नहीं है उसके लिए मैारा अलग हैं ईमान भी लाजिम है आमाल साल भी लाजम हैं तोहीद पर रिसाल पर तकदीर पर मलाइक पर आखिरत पर ईमान भी लाजम है और इन तमाम चीज़ों के तकाज़ों के मुताबिक अमल करना भी लाजम है वो अपनी जगह ये चीज़ें कार फरमा रहती हैं और दुनियावी मेयारात के मुताबिक लोग कौमें आगे बढ़ती हैं और जाहिर सी बात है कि उनका आगे बढ़ना इस बात की दलील नहीं है कि वो अल्लाह के महबूब या चहीते हैं क्योंकि मैदान तो खुला है कंपटीशन है मुकाबला है आप आगे बढ़ें अपना इस्तेहाक पैदा करें तो अल्लाह ताला सब पर फ़जल फरमाता है और करम फरमाता है तो मुसलमानों पर भी फरमाएगा ठीक इसी फरमाया कि मनह तदाफिन नमा यह तदील नफ़ से जो हिदायत को इख्तियार करेगा तो उसका फ़ायदा उसको पहुँचेगा अल्लाह पर कोई एहसान नहीं है वमन दल्लाफिन नमा या यह और जो गुमराही इख्तियार करेगा तो वह माज अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा उसका वबाल उसी पर आएगा वला तजर व तुम विजरो खरा और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा वमाकन्ना मज़बीन हता न बस रसूला और जब तक हम रसूल भेज कर हजत तमाम न कर दें तो हम अजाब नाजिल नहीं करते इसलिए कुरान में फरमाया बरूसलमशरियाना व मुन जरकून से बादर रसूल अल्लाह फरमाता है कि हमने वक्तन फवक्तन रसूल भेजे नबी भेजे वो अल्लाह की रहमत की बशारत देते हुए और उसके अजाब से डराते हुए गए क्यों ले अल्लाह यकूना अल्लाह से हज बादर रसूल ताकि निज़ाम रसालतों नबूवत के कयाम के बाद कल अल्लाह ताला की अदालत में किसी के पास कुफर पर शिरक पर नफाक पर दलालत पर फिस्क पर फजूर पर बदी पर कायम रहने के लिए कोई जस्टिफिकेशन या कोई जवाज बाक़ी न रहे

दीन और दुनिया को हमने बांट कर नहीं रखा था हमारी ये भी कुरान मजीद में नीम सबल्ला ने बताया कि वैजा का करिया जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं अमर नामफी हा वहाँ के जो खुशहाल हाल लोग हैं उन पर अहकाम नाजिल करते हैं वो फी वो अहकाम की नाफरमानी करते हैं फहील उस पर अल्लाह का कानून सादे कहा जाता है मरना तदमीरा उसको हम हलाक कर देते हैं इसके एक और माना ये बताए कि अमरना मतरफी हा वाम खुशहाल खुशाल, गलबाल हर मस्तियों में बदमस्तियों में इशरतों में मुबतला इनकी कसरत हो जाती है और फिर ये दौलत में इशरतों में मगन होकर दौलत देने वाले रबीजु जलाल को भूल जाते हैं ठीक है तो क्या आलम इस्लाम का हाल आप ऐसा देख रहे हैं मेरा ख्याल है कि काफी हद तक ऐसा ही है अच्छा काफी हद तक ऐसा ही है क्योंकि अब... आज मुसलमान ये नहीं कह सकता उसके तो बाद दौलत नहीं है मुसलमान के पास सयाल सोना है मुसलमान के पास दौलत है मुसलमानों को आज अल्लाह ताला ने अगर दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो जितने बहरी तजारती रूट हैं वो मुसलमानों की आ, साहिलों को सलाम करके गुजरते हैं तो आप देखते हैं ये सारा पूरा अगर आप वहाँ से नील से और काशगर से लेकर इधर चलें तो सारे जो बेवी तजारती रूट्स हैं मुसलमानों के पास हैं बेहतरीन खत अर्जी मुसलमानों के पास है, के पास है लेकिन मुसलमान अपने आप को इनके होते हुए भी अहल साबित नहीं कर पा रहे ठीक तो ये मुसलमान का अहल साबित नहीं कर पा रहे या अपने अंदर कोई इनकलाब को तब्दीली लाने के हाँ। ख्वाहिशम नहीं है होना चाहिए नहीं होना तो चाहिए होना हाँ। तो बहुत कुछ चाहिए अब से, नहीं मेरा सिंपल सवाल ये है कि जो अल्लाह तरमा रहे हैं अल्लाह ने ना किसी भी कौम की हालत को तब्दील नहीं करता जब तक वो खुद अपनी हालत को तब्दील करे अहमद साहब कुरान ने एक बताया ना कि मुतरफीन जो हैं जी ऐश वशरत में जो मगन हैं ठीक उनकी कसरत हो जाती है अब ये वक्ता फोकता जब हम बात चीजें आलमी मीडिया में पढ़ते हैं कि हमारे अरब के शयूख ने बहरी जहाज़ ऐसे बना रखे हैं कि जिसमें दुन दुनिया की सारी राहतें और सारी इशरतें उनके लिए जमा हो जाती हैं तो दौलत तो अल्लाह ने दी है ठीक है सिर्फ आ वो ही कहा, बल्कि बल्कि उम्मा है लेकिन अगर इस दौलत, जी, आँगर आँगर एक... इस, इस दौलत को वो बहसीत उम्मत के इल्म के फरोग के लिए इस्तेमाल करें इस दौलत को दुनिया के कमजोर मुसलमानों को उठाने के लिए इस्तेमाल करें बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि चलो भाई आप हिंदुस्तान से बुलाते हो तो मुसलमानों को बुला लो जी लेकिन आप देखें कि मिडल ईस्ट में शरक औसत में या इमारात में हुँ। आज हुँ। अगर वन मैन वन वोट हो जाए तो आपको ज़्यादा इंडियन में लेंगे जी अच्छा कारोबार पर भी उनके कब्जे हैं ठीक है तो ये खुद इंसानों के अपने बीमा जहर अलफसाद फिल्मल बहर दिन नास के बर बहर में फसाद बर्पा हुआ इंसानों के अपने हाथों करतूतों के तो ये उम्मत ये उम्मत अपने अंदर एक तब्दीली तब्दीली हाँ। का इनकलाब लाना चाहती है हाँ। हम महसूस ये होता है कि जैसे एक जवाल पजीर जवाल याफ्ता बात जवाल आमादा नजर आते हैं तो तीन बड़े काम उम्मत की सतह पे क्या होने चाहिए जिस जानी आपने इशारा किया बहुत अहम बात कि उम्मत की सतह पर जहां मुसलमान वर्कर आ सकता है मुसलमान वर्कर को लेकर आए वो अहल सलब रियासतें जिनके पास बेपना दौलत है गरीब मुसलमान रियासतों की मदद करें तब्दीली लेकर आए मुसलमानों के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे दें मैं तो कहता हूँ कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसे दें जो जदीद हैं उनके लिए अपने ख़जानों और तजोरियों के दरवाज़े खोल दें जहाँ टैलेंट है जोहर काबिल है मुसलमानों का रुए ज़मीन पर जहाँ भी है उनको आगे बढ़ने का मौका दें और उनके टैलेंट से उनके जौहर काबिल से उनकी काबिलियत से मेहनत करने वालों की मेहनत से फ़ायदा उठाएं तो मैं तो कहता हूँ कि अश्रों में तब इनकब आ सकता है अशरों में तब्दीली आ सकती है अल्लाह ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है और हमारे सामने कौमें उठी हैं और कौमें जवाल ना हुई हैं ये होता रहा है सबने देखा है सोवियत यूनियन का जवाल देखा है और एक वक्त था कि बरतानिया पर कहा जाता था कि सूरज गुरूब नहीं होता आज वह एक जजीरे तक महदूद हो रहा है आज यूरोपियन यूनियन से निकलना जिसको ब्रेगजिट कहते हैं उसके लिए मुसीबत ठीक है रहा बिल्कुल है। जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया सिंगापुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया फिर ये अपना साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया ताइवान वगैरह थाईलैंड ये तो हम इन ममालिक बात कर रहे हैं हम हाँ। 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 अभी नहीं जा रहे यूरोप लेकिन उम्मत की सतह पर मैंने आपकी खिदमत में सवाल ये किया कि तीन बड़े काम कौन से करने चाहिए पहले तो ये है कि सच्चे और पक्के मुसलमान बन दें इस नफ्स जी हाँ दूसरा ये है कि इल्म को चाहे किसी भी शोबे का इल्म हो। अल्लाह। अल्लाह। उस पर मर, उसमें मरतब कमाल हासिल करेंस लीडरशिप हासिल करें एक्सीलेंस हासिल करें, करें दुनिया को लीड करें अब देखें ये आ, वैक्सीन बनी है कोरोना के लिए तो कहाँ से आई अमेरिका से आई बरतानिया से आई और इवन रूस और चीन से आई और मुसलमानों के बाद सारे वसाद बिल गेट्स दे रहा है उसके लिए रिसर्च के जी लिए हाँ, बिल्कुल तो ये मुसलमान हुक्मरान जिनके पास खरबों डॉलर है ये नहीं दे सकते और ये नहीं है कि वहाँ जो रिसर्च में हैं वो सारे गोरे हैं नहीं गोरे भी हैं काले भी हैं अरब भी हैं, अजम भी हैं वो टैलेंट को दुनिया से हंट करते हैं हायर करते हैं और फिर उसको अपने मुल्क और अपने कौम के लिए इस्तेमाल हैं और ये काम जो आपने तवज्जो दिलाई ये बहुत अहम बात और ये दीनी फरीजा समझ के करें बिल्कुल इबादत इबादत करें, करें।, करें। तस्खीर कायनात का दर्ज कुरान करीम देता है हमें देता है? वो यही है और माजी में करके दिखा दिया ऐसा नहीं कि कोई ये ख्वाब है ख्याल है या कोई एक खाका है ऐसा नहीं है ये कायनात एक रेलगाड़ी है इस पर हाबी वो रहता है उस, इसके इंजन पर कि जिसके पास इल्म होता, होता, है।, है।, होता है ये जुमला है सैयद अबूला महदूदी का रहमत जब हम हम रेलगाड़ी के इंजन पर थे हाँ। तो दुनिया हम चला रहे थे आज मगरब है वो इल्म के बुनियाद पर मुसलमान थे इल्म के बुनियाद पर आपने क्या अच्छी बात फरमाई कि ये कायनातीलूम को हासिल कर लेना दीनी फरीजा है इबादत है कायनात की तस्खीर करना चाहिए हमसाय जबरी बंद खाकी, इकबाल फरमा रहे हैं, तो हमारा मकाम तो बहुत बुलंद है लेकिन आ, हम हम कहा, उसके अहल बन जाए ये जमीनी मामला बस अटके रहते हैं आ, कुछ आसमानी मामला होते हैं लेकिन इसलाफ् पहले अपना किबला दुरुस्त करें और अल्लाह की तरफ अपना रुख बिल्कुल सीधा रखें मुफ्ती साहब मैं आपका बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ आप तश्रीफ़ लाए ख़वान हजरात अल्लाह ताला हमारे ओलमा को सलामत रखे तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं आज के तकाज़े क्या हैं क़र करीम के मुफ्ती साहब ने हमें तालीम किया कि आज ये इस कायन की तस्खीर करना सबसे पहले मुसलमानों का काम है क्या अच्छी बात मुफ्ती साहब ने फरमाई कि वैक्सीन करोना की मुसलमान ममालिक्ठावन मुसलमान ममालिक वहाँ से क्यों नहीं आई किसी मगरबी अखबार ने लिखा कि 500 साल से मुसलमान दुनिया से ले रहे हैं मुसलमान दुनिया को दे नहीं रहे अकबर मुसलमान पहले देते थे अब मुसलमान दुनिया से ले रहे हैं इनकलाब कैसे आएगा तब्दीली कैसे आएगी चलिए बुनियादी औसाब जिनका हसूल ज़रूरी है मुफ्ती साहब ने हमें तालीम किया वक्त मुकम्मल हुआ बहुत सारी बातें मजीद हो सकती हैं तरीक़ेकार क्या है रोड मैप क्या है शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स क्या होती हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स क्या होती हैं मंजिल का कैसे होता है रोड मैप कैसे बनता है किसी और प्रोग्राम में हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे कोइज कल का सवाल हमारा ये था कि किस पैगम्बर को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया गया था दुरुस्त जवाब हजरत यूसुफ अम आज का सवाल नोट फरमा लीजिए किस पैगम्बर के लिए अल्लाह ताला ने लोहे को नरम कर दिया था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए या हज़रत अलैहिस्सलाम के लिए या हज़रत नूह सलाम के लिए जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए हमारे फ़ोन नंबर हैं जीरो ज़ीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर फाइव टू सेवन डबल ज़ीरो नाइन हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है ज़ीरो जीरो नाइन डबल टू वन थ्री फोर थ्री डबल जीरो नाइन एट ज़ीरो हमारा ई मेल एड्रेस पी एस एट दुनिया टी वी डॉट टी वी हमारा एस एम एस का नंबर थ्री जीरो थ्री वन और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जीरो जीरो नाइन टू थ्री टू वन एट टू फाइव ज़ीरो वन नाइन फोर नजरात वक्त कुरानदाज़ी का मोहतर मुफ्ती रहमान साहब के दस्ते मुबारक से एक पर्ची बरामद हो रही है और मुफ्ती साहब ऐलान कर रहे हैं आज के विनर का राजिया नसरीन पी, पी सी एस आई आर सोसाइटी लाहौर लाहौर राज़िया नसरीन लाहौर से आ, ये शायद रज़िया हो जी हो सकते है, रजियो। 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 तो रजिया राजिया तो हैं रज़िया हो रज़िया रज़िया या राज़िया नसरीन लाहौर से आपकी खिदमत में दुनिया टी वी की जानब से दीनी कुतब पर मुश्तम गिफ्ट टाइम पर आपके घर रवाना किया जा रहा है बज़री कोरियर आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये छोटा सा एक सिलसिला होता है ख़वातिन हजरा दीनी मालूम के फ़रोग के लिए हम यह दीनी कुतुब रोज़ाना किसी एक शख्स यानी कि कोई ख़ातून या हजरत उनके घर रवाना करते हैं ताकि ये जो दीनी किताबें ये आगे तक जाएँ और हमारी नौजवान नसल ख़ास तौर पर दीन से करीब हो सके वक्त मकमल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का और पयाम सब का अख्तितम होता है रोज़ाना एक कॉल पर और वह कॉल होता है साहिब नहजुल बलागा अमिरमीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्ला वजहू का आप फरमाते हैं कि दूसरों के गुलाम मत बनो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है दूसरों के गुलाम मत बनो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है सुबहानल्लाबहान अल्लाह अपने मेजबान अनी अहमद को कल तक के लिए इजाज़त